दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी बस खरीद घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने यह फैसला लिया है। इससे पहले एलजी ने शराब घोटाले की जांच के आदेश दिए थे। अब उन्होंने डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपी है। बस खरीद मामले में सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार का बयान भी सामने आया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि टेंडर रद्द हो गए थे और बस कभी खरीदी भी नहीं गई। साथ ही कहा कि दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा एलजी को पता ही नहीं कि वो किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है, वे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जांच के आदेश दे रहे हैं। इस तरह की जांचों से अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ निराधार शिकायत के बाद अब वे चौथे मंत्री की शिकायत कर रहे हैं। उपराज्यपाल पहले खुद के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दे। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।